प्यारे छात्रों, मैं बसंत दोषी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाणी द्वारा जो ई कंटेंट के आधार पर यह वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो कक्षा 11वीं वाणिज्य विषय के लिए यूनिट 3.3 जो भौगोलिक है, उस बहुलक के बारे में आज आपके सामने उसकी कुछ परिभाषा को पेश करूंगा। बहुलक को अंग्रेजी के अंदर मॉड कहते हैं और मॉड के लिए शॉर्ट हैंड यहां पर दिया गया है, जेड टाइप होता है। परिचय में बहुलक को अंग्रेजी में मॉड कहते हैं। यह जो मॉड जो शब्द दिया गया है वह फ्रेंच भाषा से संबंधित होता है और फ्रेंच भाषा के अंदर उसको ला मोड कहते हैं और वहां का जो प्रचलन है जो है वो फैशन या रिवाज से संबंध रखता है। बहुलक उस बिंदु को बताता है जहां सबसे अधिक पद अधिक पर सब केंद्रित होते हैं, वहां पर बहुलक उस बिंदु को बताता है। बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो समग्र में सबसे अधिक बार जो आता है वही बहुलक कहा जाता है। यह जो बहुलक जो है, मैंने पूर्व बताया था गणितीय माध्य केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप में गणितीय माध्य में बताया था समांतर माध्य और स्थिति संबंध में मैंने बताया था मीडियन और मॉड। तो यह एक स्थिति संबंधित माध्य है। बहुलक का निर्धारण जिस तरह से हमने समांतर माध्य का निर्धारण किया, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर, खंडित श्रेणी के अंदर, सतत श्रेणी के अंदर, पद विश्लेषण के अंदर और मीडियन मध्यिका का भी हमने व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में किया है। तो यहाँ पर बहुलक का भी निर्धारण तीनों विधियों से होता है, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर भी होता है, खंडित श्रेणी में भी होता है और सतत श्रेणी में भी किया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं तो किसी भी श्रेणी में वह मूल्य जो अधिक बार आता है, किसी भी श्रेणी में वह मूल्य जो अधिक बार आता है वह बहुलक कहलाता है। बहुलक को हम जब व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर, व्यक्तिगत श्रेणी में जब अनेक मूल्य दो या दो से अधिक बार होते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य यह कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर जब मूल्य बार बार रिपीट होते हैं, सेम रिपीट होते हैं या दो से अधिक बार रिपीट होते हैं, तब इस व्यक्तिगत श्रेणी से बहुलक निकालने के लिए निकालना हो तब उसे हम खंडित श्रेणी के अंदर बदल देंगे और खंडित श्रेणी में बदल कर हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदल कर ज्ञात किया जा सकता है। मैं आपको अगले वीडियो के अंदर किस प्रकार व्यक्तिगत श्रेणी से खंडित श्रेणी में बदल कर बहुलक ज्ञात किया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी के अभी तीन प्रकार से ज्ञात की जाती है। पहला, व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलकर, सतत श्रेणी में बदलकर और समांतर माध्य और मध्यिका से बहुलक किस प्रकार निकाला जाता है, मैं आपको अगले वीडियो के अंदर यह बताऊंगा। धन्यवाद।